दोस्तों नमस्कार। देखिए, विक्चुड़ा एयर मोशन ने अब वेंटिलेशन फैन या कहिए एग्जॉस्ट फैन उसमें भी बहुत मजबूती से कदम रख दिया है। मनोज जी, जरा ये बताइए, ये सब आइटम के बारे में जरा डिटेल में हमको बताइए। सारे के सारे वेंटिलेशन फैन है, ये एज पर रिक्वायरमेंट की किसी का अगर किचन बड़ा है, किसी का बाथरूम बड़ा है, उसी हिसाब से लगाते हैं। सबसे छोटा जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा सकता है, लोग जो बाथरूम में और किचन में लगाते हैं, लोग 6 इंची वेंटिलेशन लगाते हैं। इस पर आपका ये आ जाता है 8 इंची वेंटिलेशन, और ये दोनों जो हमारे हैं ये 10 इंची वेंटिलेशन में ही। अच्छा, एक एक आइटम के बारे में हमको डिटेल बताइए। 6 इंची क्या वाटेज लेता है, RPM क्या है? तो ये हमारा 20-25 वाट के लगभग लेता है हमारा। अच्छा, खाली 20-25 वाट। अच्छा, ये इंडक्शन होता है कि BLDC होता है? इंडक्शन होता है ये, इंडक्शन होता है। अच्छा ठीक है। और ये RPM लगभग हमारा मान लीजिए 2100 के लगभग हमारा। और मोटा मोटी एयर थ्रो क्या आएगा इससे? एयर थ्रो देखिए इसमें अलग अलग, क्योंकि हमारा जो AD आती है उसमें अलग आती है, इसमें अलग आती है। एयर थ्रो इसमें हमारा क्या होता है, सक्शन होता है तरह से। हाँ हाँ, बाहर फेंकता है। ठीक है। अभी हमारा जैसे ये भी 230 वोल्ट में, हमारा ये 35 वाट में 8 इंची। हाथ में उठा के बताइए। ये हमारा ये 35 वाट है, जैसे हमारा ये देखिए। हाँ हाँ, इसको हम बोलते हैं मतलब वेंटिलेशन फैन बोलते हैं, ये हमारा 8 इंची में आता है ये। अच्छा अच्छा, ये अपना 230 वोल्ट पे है। और ये भी हमारे बाथरूम और इसका वाटेज कितना होगा? इसका ज्यादा नहीं, इसका 35 वाट है बस। 35 वाट, यस। अच्छा, ये BIS के नॉर्म्स के अंदर में आएगा? अभी BIS इन सब चीजों में लागू नहीं होगा, बट कुछ दिन आगे वाले चरण में लागू हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि अभी सीलिंग फैन पे BIS है, बट बातें चल रही, तो हम इस पे ये भी BIS के अंतर्गत आ जाएगा सारा। अच्छा अच्छा, और ये क्या है? 10 इंची वेंटिलेशन, ये हमारा जो है ये RPM लगभग इसका 1400 के लगभग होता है। अच्छा, 45 वाट के लगभग होता है हमारा, 45 वाट। इसका अभी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? एप्लीकेशन जैसे आपका कोई बहुत बड़ा किचन है या बहुत बड़ा जो है आपका स्टोर रूम है, वहाँ पे लोग इसको वेंटिलेशन के लिए लगाते हैं। अच्छा, इसमें शटर है पीछे? हाँ जी, इसके पीछे शटर आप देखना चाहेंगे। अच्छा अच्छा, जैसे चलता है या आप देखेंगे तो अपने आप ये खुलते, ये खुल जाता है, देखिए। अच्छा, जब ये चलेगा तो शटर खुल जाएगा, इससे क्या होता है कि कोई भी पक्षी हो गया, कोई भी डस्ट हो गया, वो अंदर ना आ पाए, मच्छर मक्खी है सब कुछ नहीं आएगा, जिसमें बंद रहेगा, इसमें कोई भी चीज अंदर नहीं प्रवेश करती। अब जब हवा चलती है तो ये बाहर चलता है, तो कोई भी मक्खी मक्खी अंदर नहीं घुस सकती। अच्छा, ये कब से आप प्रोडक्शन लोगों को देने लगेंगे? नवंबर से मेरा ये भी टेस्टिंग हो चुका, सब कुछ होगा, और नवंबर के बाद हम स्टार्ट कर देंगे, नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा ये। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात है। कल तक आप पंख सीलिंग फैन लोगों को दिए, BLDC दिए, और अभी आप एग्जॉस्ट फैन में भी आ गए। और इतना ही नहीं, पेडेस्टियल, फराटा, ये सब भी है, उसके बारे में भी आप बताते हैं। तो जो लोग अभी तक इस कंपनी से नहीं जुड़े हैं, भाई बाद में मत कहिएगा संजीव जी हमको डायरेक्ट कंपनी से जोड़ दीजिए। एक बार कंपनी किसी को काम दे दी तो दे दी, कोई उपाय नहीं है कि फिर आप डायरेक्ट जुड़ पाइएगा। फिर तो आपको उस एरिया में जो काम कर रहे होंगे मजबूरन उनसे जुड़ना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी गोल्डन है, आप लूज मत कीजिए। जितना जल्दी हो, वीडियो के ऊपर में जो नंबर आ रहा है वो मार्केटिंग का काम देखती है रुचिका मैडम, आप मैडम को कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में अभी भी जगह खाली है कि नहीं। अगर खाली है, विदाउट फेल जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।